में बैठा दिख गया। अपने मित्र कन्हैया को सिंहासन पर बैठा देखा। उनके लिए वो राजा नहीं है, उनके लिए तो मित्र हैं। तो सिंहासन पर बैठा दिख गया वो बचपन का हम जोली। तो होठ रहे खामोश मगर आंखें रो रो कर बोली। कन्हैया को देखकर आंखों में आंसू आ गए। द्वारपालों ने कहा, काम क्या है, आप क्यों आए हैं? तो सुदामा जी ने कहा कि आया नहीं, भिजवाया गया हूं। अरे मैं कभी नहीं आता कन्हैया के द्वार पर, लेकिन मेरी पत्नी सुशीला ने रोक कर मुझे भेजा है। तो आया नहीं, भिजवाया गया हूं, और गरीबी का बेशक सताया हुआ हूं। गरीबी का बेशक सताया हुआ हूं। तो गरीबी झुका दे मुझको, ये दम नहीं है। गरीबी झुका दे मुझको, ये दम नहीं है। तू यार है मेरा, ये कम नहीं। वस्त्र सुनहरे मेरे तन पे फटे पुराने, तेरे तन पे वस्त्र सुनहरे मेरे तन पे फटे पुराने, तेरे तन पे वस्त्र सुनहरे मेरे तन पे फटे पुराने, मेरे तन पे वस्त्र सुनहरे मेरे तन पे फटे पुराने। और तू छप्पन भोग लगाए, छप्पन भोग लगाए मेरे घर में नहीं।
कर बैठा है कन्हैया, तेरे घर में 56 भोग लगते हैं लेकिन मेरे घर में खाने को भी नहीं है। तो तू 56 भोग लगाए मेरे घर में नहीं है दाने। तू 56 भोग लगाए मेरे घर में नहीं है दाने। लेकिन भूख झुका दे मुझको के भूख झुका दे मुझको ये दम नहीं है। भूख झुका दे मुझको ये दम यार मेरा है ये कम नहीं है। तू यार मेरा है ये कम नहीं है। जय श्री राधे। भूख झुका दे मुझको ये कम नहीं है। भूख झुका दे मुझको ये कम नहीं है। मेरा यार तू विराजे तेरे सर पे छत्र विराजे मेरी सूखी सूखी चुटिया। सर पे छत्र विराजे मेरी सूखी सूखी चुटिया। तेरे सर पे छत्र विराजे मेरी सूखी सूखी चुटिया। तुम्हारे ऊपर सोने का छत्र है और मेरी सूखी सूखी चोटी लटक रही है। लेकिन अमीरी झुका दे मुझको अमीरी झुका दे मुझको ये दम नहीं है। ओ अमीरी झुका दे मुझको ये दम नहीं है। अमीरी झुका दे मुझको ये दम नहीं है। पर तू यार मेरा है ये कम नहीं है। तू याद मेरा है ये कम नहीं है। तू याद मेरा मोहन ये कम नहीं है। ये लाचारी क्यों ली ना खबर हमारी।
खबर हमारी क्या डर गए कृष्ण मुरारी, क्या डर गए कृष्ण मुरारी कि तेरा यार है एक भिखारी। क्या डर गए कृष्ण मुरारी कि तेरा यार है एक भिखारी। क्या डर गए कृष्ण मुरारी तेरा यार है एक भिखारी। कन्हैया को ताना दे रहे हैं, मन ही मन में कह रहे हैं कन्हैया हो सकता है बाकी लोगों की तरह तुम्हें भी इस बात का अफसोस हो कि मेरा मित्र भिखारी है। जब कोई भिखारी दयनीय स्थिति वाला कोई दोस्त होता है तो लोग उसे बचाते हैं, उसे छुपाते हैं। बड़ा पैसे वाला हो, बड़ा बल वाला हो, बड़ा नाम वाला हो तो उसको गा गा कर बताते हैं। तो हो सकता है कन्हैया तेरे मन में आ रहा हो कि ये भिखारी मेरा दोस्त कैसे है, इसलिए कि तेरी क्या थी ये लाचारी क्यों ली ना खबर हमारी। ओ, तेरी क्या थी ये लाचारी क्यों ली ना खबर हमारी। क्या डर गए कृष्ण मुरारी तेरा यार लेकर आया है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। वो कह रहा है कि वो कन्हैया मेरा मित्र है। जब द्वारपालों ने जाकर ये बताया और कन्हैया के कानों में ये पड़ा कि मेरे मित्र सुदामा आए हैं, बस वो पागलों की तरह सिंहासन छोड़कर नंगे पैर भाग लिए। नंगे पैर भागे और बड़े प्रेम के साथ, आदर के साथ, सम्मान के साथ सुदामा जी को अंदर लाते हैं। अब करते क्या हैं के हर छोड़ के वहां सिंहासन, हाँ सिंहासन, हर छोड़ सिंहासन आए और मित्र को गले लगाए। हर छोड़ सिंहासन आए और सुदामा को कलेजे से लगा लिया और किया क्या, हर छोड़ सिंहासन आए और मित्र को गले लगाए। हर छोड़ सिंहासन आए और मित्र को गले लगाए। सिंहासन पे है बिठाए, सिंहासन पे
पे है बिठाए तो अश्वन से पांव धुलाए, सिंहासन पे है बिठाए अश्वन से पांव धुलाए। कैसे ऐसे बिहाल विवाइन सो, ऐसे बिहाल विवाइन सो पुन कंटक जाल लगे पुन जोए, हाल महा दुख पायो सखा तुम आए तय ना कितय दिन खोए। तो देख देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा कर रोए, और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। प्रभु ने नैनन के जल से पग धोए, तो हर छोड़ सिंहासन आए को गले लगाए, थोड़े सिंहासन आए और मित्र को गले लगाए, तो सिंहासन पे है बिठाए तो अश्वन से पांव धुलाए, सिंहासन पे है बिठाए तो अश्वन से पांव धुलाए। तो दोनों में कोई उस सिंहासन पर बिठा दिया जिस पर स्वयं बैठते हैं। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। रुक्मणी को आवाज लगाई, रुक्मणी आई, सोने का थाल लाती हैं। कन्हैया ने अपने पैर को ऐसे ऊंचा करके सुदामा जी के पैर को रख लिया। जब तक जल डाले तब तक प्रेम के अश्रु इतनी तेज तेज झर रहे हैं कि उन्हीं जल से ही सुदामा के पैर धुले जा रहे हैं। सुदामा के पैर धुलते जा रहे हैं, सुदामा भी रो रहे हैं, कन्हैया भी रो रहे हैं। दोनों कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं और बहुत कुछ कहे भी दे रहे हैं। मित्रता की एक ऐसी निशानी है। रुक्मणी सोच रही है, सत्यभामा सोच रही है कि मेरे पिया को आज क्या हो गया, ये कौन ऐसा दीन दयनीय ऐसा भिखारी सा व्यक्ति आया और मेरे स्वामी उसके लिए इतनी तेज तेज रो रहे हैं। ये दीन बंधु दीनानाथ जो किसी के लिए आज तक नहीं रोए, आज एक दयनीय एक दरिद्र जैसे व्यक्ति को देखकर रो रहे हैं, आखिर ऐसा क्या कारण है। लेकिन इधर सुदामा जी इतने बड़े महल की भव्यता को देखकर परेशान हैं, सोच रहे हैं कि मैं अपने मित्र को ये चावल की कनकी की पोटली कैसे पकड़ा दूं। इनके पास तो जब सोने के थाल में ये पैर धुला रहे हैं तो इस चावल की क्या कीमत होगी, मैं इनको कैसे ये दूं।
समझ नहीं पा रहे, लेकिन जब कन्हैया की नजर उस पोटली पर पड़ती है तो कन्हैया उस पोटली को जबरदस्ती छीन लेते हैं और छीन लेते हैं। तो रहे होठ खामोश वहां पर, रहे होठ खामोश वहां पर और आंखें उनसे बोली, आंखें उनसे बोली, आंखें उनसे बोली। तो छीन पोटली जब है, वो छीन पोटली जब है के सुदामा की है भोली, वो छीन पोटली जब है वो सुदामा जी की भोली, और छीन पोटली जब है सुदामा की जब भोली। सुदामा की वो पोटली कन्हैया ने खोली और जब उसमें चावल की कनकी देखी तो कहा, भाभी ने भेजे जो चावल तो कान्हा ने जब है खाए, बस दो मुट्ठी ही खाए दोनों ही लोग गहाए, दोनों ही लोग गहाए, बस दो मुट्ठी ही खाए और दोनों लोग गहाए। छीन कर एक मुट्ठी चावल खाया, चावल की कनकी खाई, एक लोक दान में दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाई दो लोक दान में दे दिया, और तीसरी जैसे ही खाने चले रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, कहा बस स्वामी अगर सब इन्हीं के पास चला जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे। इसलिए के भाभी ने भेजे चावल कान्हा ने जब है खाए, तो बस दो मुट्ठी ही खाए और दोनों लोग गहाए, फिर वस्त्र राजसी देकर वो मित्र को वहाँ पहनाए, 36 प्रकार के व्यंजन फिर अपने हाथ खिलाए, 36 प्रकार के व्यंजन फिर अपने हाथ खिलाए, को देखकर रो रहा है और प्रेम से दोनों खा रहे हैं। स्वागत किया, सम्मान किया, आदर किया। सुदामा जी को नहीं पता है कि मुझे क्या मिल गया है। सुदामा ने वहां पर भी खुददारी दिखाई, स्वाभिमान दिखाया, महल में भी जाकर कुछ नहीं मांगा, केवल अपने मित्र से मित्रताई की बातें की। दोनों निरंतर रोते रहे, परेशान होते रहे, लेकिन सुदामा जी जब चलने लगे तो हाथ जोड़ लिए, कहा कन्हैया अगर आपकी आज्ञा हो तो अब मैं जाऊं। कृष्ण ने कहा ठीक है, हे मित्र बहुत दिन हो गए हम मिले नहीं थे, कहीं ना कहीं मैं तुमसे क्षमा भी चाहता हूं कि मैं अपने इस कार्यभार में शायद अपने इस प्रिय मित्र सुदामा को भूल गया। सुदामा जी वहां से बड़े प्रेम से विदा लेते हैं, कन्हैया उन्हें विदा करते हैं, लेकिन देते कुछ नहीं है। रास्ते में सुदामा जी सोच रहे हैं कि पता नहीं मित्र को क्या हो गया, इतना बड़ा महल है, इतनी सारी दौलत है और चलते समय एक ढेला भी नहीं दिया, जाकर अपनी पत्नी से क्या बताऊंगा, उसने तो मुझे इसीलिए भेजा था, क्या बताऊंगा, सुशीला तो मेरी जान खा लेगी, सुशीला कहेगी मैंने इसीलिए तो भेजा था। लेकिन जब सुदामा जी चलते चलते लौट कर अपनी नगरी में आए, सोच रहे हैं हमारा वाला मकान कहाँ चला गया, अब चूंकि उस समय मकान नंबर तो होता नहीं था, केवल मकान मकान होते थे, सुदामा जी सोच रहे हैं यही तो हमारा टूटा फूटा महल झोपड़ी वाला था, ये बंगला किसका बना खड़ा है,
बड़े बड़े सुंदर सुंदर आभूषण पहने, उनकी पत्नी सुशीला आवाज लगाती हैं, बच्चे चिल्लाते हैं पिताजी आ गए, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हैं। सुशीला ने कहा, स्वामी सुदामा जी सोच रहे हैं ये मेरी वाली है, बदल तो नहीं गई। सुदामा जी कह रहे हैं कि मुझे अपनी पत्नी से मिलना है। उन्होंने कहा मैं ही तो हूँ। कहने लगे तुम, हमारा मकान कहाँ है? उन्होंने कहा महाराज बगल में जीना लगाए चले आओ, यही अपना वाला है, यही है। सब कुछ दे दिया कन्हैया ने, वो जान भी नहीं पाए, इतना दे दिया कि सुशीला ने सोचा भी नहीं था। तो बस उसी समय सुदामा, जब वहाँ सब कुछ मिल गया, और जब मिल गया तो सुदामा कह रहे हैं कि काली कमली वाला, कि काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। काली कमली वाला मेरा यार है, और मेरे दिल का मोहन वो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला
हर वादे पे मुझे एतबार है।